the GDP growth figures for the year ending March of 15 are in. The growth is 7.2% at basic prices and 7.3% at market prices. The encouraging part, this is in spite of a decline in agriculture growth from 3.7% to 0.2%. The encouraging part of the data is the growth in manufacturing to 7.1% from last year's 5.3%, which would actually mean that we are also creating jobs in our growth path. आज जो फोर्थ क्वार्टर के प्रोविजनल रिजल्ट्स आए हैं और ये परिणाम जो हैं अर्थव्यवस्था के संबंध में काफी उत्साह लाते हैं. उत्साह इसलिए लाते हैं कि जो सर्विसेज का क्षेत्र है इसमें 9% से ऊपर और कुछ क्वार्टर्स में तो 10% भी डबल डिजिट ग्रोथ से बढ़ना, इसका मतलब काफी हद तक आर्थिक गतिविधि दोबारा पुनः आरंभ हुई है. लेकिन सबसे बड़ा संकेत मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 7% से ऊपर गया है और इसका मतलब अर्थव्यवस्था का मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल उसमें से हो रहा है, अर्थव्यवस्था रिकवरी स्टेज में है. और इससे एक और संकेत भी आता है कि अप्रैल 2015 में जो राजस्व के आंकड़े आए हैं उसमें भी बहुत वृद्धि हुई है. तो इसका ये मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कई एक दिशा है. ये जो पूरे वर्ष का ग्रोथ रेट है, मैं मानता हूं कि अभी भी ये पूरी भारत की अर्थव्यवस्था अपने पोटेंशियल पे नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ये संकेत देते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल है 8%, 9% और उससे भी ऊपर बढ़ने का. लेकिन जो दो कमजोरियों का क्षेत्र रहा, एक कृषि का रहा क्योंकि इस साल मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया, और अगर मौसम आने वाले वर्ष में साथ देता है और कृषि में भी थोड़ी वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था और तेजी से दौड़ेगी. और दूसरा जो पूरे विश्व के अंदर मंदी का माहौल है उसका एक प्रत्यक्ष असर इस देश हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ता है. अगर ग्लोबल सिचुएशन सुधरती है तो भारत का एक्सपोर्ट भी अपने आप में सुधरेगा. और ये दो क्षेत्र अगर कृषि और एक्सपोर्ट सुधरते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है कि शॉर्ट टर्म में हम 9% तक पहुंचे और फिर उसके भी ज्यादा आंकड़े को पार करें, वहां उस दिशा में जाने में हमें मदद मिल पाएगी.